हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं मोहिनी पचौरी आपका अपने चैनल राधा मोहिनी की रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी पकौड़ा, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बाउल में बेसन ले लिया है और 150 ग्राम करीब होगा ये। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे खाना सोडा, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम नमक, केवल पकौड़ी के हिसाब से डालना है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल लेंगे। बहुत पतला घोल हमें नहीं घोलना है इसके लिए, हमें क्योंकि पकौड़ी बनानी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो इसको अच्छे से फेंट लेंगे। बेसन हमारा फूट गया है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। देखिए फ्रेंड, 10-15 मिनट हो गए हैं हमारे बेसन को गले हुए। अब हम इसमें एक कटोरी में पानी लेके अब हम इसमें डाल के देखेंगे, अगर ये अच्छे से फूल गया होगा तो इसकी पकौड़ी छोटी सी ऊपर आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, फूल गया एकदम से, अच्छे से ऊपर आ गया हमारा पकौड़ी छोटी सी जो डाली थी हमने पानी में। अब हम इनको पकौड़ी बनाना शुरू कर। कढ़ाई हमने रख दी है, उसमें तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तेल हम देख लेते हैं गर्म हुआ है कि नहीं। छोटी सी एक पकौड़ी डाल के देखते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें पकौड़ी डालना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर आने लगी है पकौड़ी हमारी। सारी पकौड़ी इसी तरह से डाल देंगे। पकौड़ी सारी डाल दी हमने, अब इनको हम चला लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बनकर आई है हमारी पकौड़ियाँ। गोल्डन ब्राउन हो गई हमारी पकौड़ियाँ, हम अपनी पकौड़ों से निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बनकर आई है। अपनी बची हुई पकौड़ियाँ हम ऐसे ही बना लेते हैं। और पकौड़ी सारी डाल दी, इनको भी चला लेते हैं। ये पकौड़ी भी हमारी बन चुकी है, इनको भी हम निकाल लेते हैं। सारी पकौड़ी हमारी बन गई है, अब कढ़ी बनाना शुरू करते हैं। जिस बाउल में हमने पकौड़ी का बेसन बनाया था उसी में हम इसका घोल का बेसन बनाएंगे। तो इसलिए हमने 2 चम्मच बेसन ले लिया है,
इसमें हम दही डाल देंगे। ये 250 ग्राम दही है हमारा, ज्यादा खट्टा दही नहीं है, कल का जमाया हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में पानी मिला देंगे। दही और बेसन हमारा मिल चुका है, अब इसको कढ़ी को बनाना शुरू करते हैं। दूसरी कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, तेल हमारा गर्म हो रहा है। हमने इसके लिए कुछ मसाले लिए हैं, हमने राई लिया है, ये मेथी दाना लिया है आधा चम्मच, राई ली है, एक चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच अजवाइन ली है और एक चुटकी हींग ली है। हम इसमें डाल देते हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है। मसाले हमारे सब कटक चुके हैं। हम अदरक ले लिया है घिसा हुआ हमने, एक इंच का टुकड़ा और दो हरी मिर्च ले लिया। कड़ी पत्ते ले लिए हमने, इससे इतना ये कड़ी का बहुत अच्छी खुशबू आती है। मसाले हमारे भून चुके हैं, अब हम इसमें मसाला डालेंगे। हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, धनिया डालेंगे एक बड़ा चम्मच और स्वाद अनुसार मिर्च डालेंगे। इसको भी चला देंगे। जो दही और बेसन हमने मिक्स करके रखा था अब हम उसमें डाल देंगे। एक चलनी की मदद से आम को डाल देंगे जिससे कि इसमें गठले ना बने। दही और बेसन हम उसमें डाल चुके हैं, अब इसको हम चला देंगे जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। और इसी तरह हम छोड़ देंगे तो कढ़ी हमारी फट जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी हमारी फूलने लगी है। अब हम इसको 40-45 मिनट तक हम इसको स्लो फ्लेम पे ऐसे फूलने देंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा कढ़ी हमारी फूलेगी उतनी अच्छी बनेगी। पंद्रह मिनट 20 मिनट हो गए कढ़ी को फूलते हुए, अब हम इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट बनकर आई है हमारी पकौड़ियाँ सारी। अब हम इसमें डाल देंगे, अब इसको चला देंगे 20-25 मिनट और इसको खोल ले देते हैं। इसे अच्छे से खोल गई है तो स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। हमने एक चम्मच नमक डाल दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी कढ़ी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसके लिए एक स्पेशल सा तड़का बनाएंगे।
देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया कड़ी का। अब इसके लिए हम तड़का बनाते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में घी डाल दिया है, इसको गर्म होने देते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, यह हमारा स्पेशल तड़का है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे एक कटी हुई, लाल मिर्च सूखी हुई काटेंगे डालेंगे इसमें दो है, और कुछ धनिया साबुत आधा चम्मच और जीरा है। अब हम इसमें मसाले को डाल देते हैं। हमारा मसाला हमारा भुन चुका है, अब इसी में हम डाल देंगे लाल मिर्च एक चम्मच। ये हमारा स्पेशल तड़का है जो कि कढ़ी में ऊपर से डालने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम कढ़ी को सर्व करते हैं डाल के। तो फ्रेंड्स कढ़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे अपना बनाया हुआ तड़का। ये तड़का डाल के खाने में बहुत ही मजेदार लगती है कढ़ी। इसे रोटी के साथ, चावल के साथ या ऐसी रूखी भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तड़का हमने डाल दिया, अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। तो फ्रेंड्स बताइए मेरी बनाई हुई कढ़ी आपको कैसी लगी। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स हमारी कढ़ी पकौड़ा आपको कैसी लगी, आप भी बनाइए, खाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और हमारी राधा मोहिनी की रसोई को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स बताइएगा कि हम आपके लिए और क्या क्या नई रेसिपी लेकर आए, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।